चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा तो कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी किए थे, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि कब हमें किस अकाउंट को डेबिट करना है और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया, हमें समझ में आ गया। लेकिन इसका यूज कैसे करना है? इसका यूज हम लोग सबसे पहले जर्नल बनाते समय करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, किस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं? जर्नल का। सो जर्नल को रिवाइज करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि जर्नल होता क्या है, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, जर्नल को हम लोग इस चैप्टर को रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। आपके बुक में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वन और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टू इस तरीके से करके दिया हुआ मिलेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वन और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टू। क्या होता है जर्नल का मतलब? सो इन शॉर्टली हम लोग कह सकते हैं कि जर्नल इज एन ओरिजिनल बुक। जर्नल क्या है? एक ओरिजिनल बुक है इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड हियर फर्स्ट। जब भी हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जब भी किसी बिजनेस के अंदर में अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, उस समय एक नहीं बल्कि बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर में एक ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। आप कभी किसी कैश डिपार्टमेंट में या अपने स्कूल के कैश डिपार्टमेंट में कभी आप देखे होंगे, गए होंगे, तो वो जो आप फी वगैरह पे करते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो एक जगह नहीं बल्कि दो तीन जगह पे उसको रिकॉर्ड करता है। उसी तरीके से एक ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे नहीं बल्कि एक से ज्यादा जगहों पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले कहां करते हैं? हम लोग तो करते हैं रिकॉर्ड, लेकिन सबसे पहले हम जिस जगह पे किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? जर्नल। ठीक है, जर्नल क्या है? सो जर्नल इज एन ओरिजिनल बुक। ओरिजिनल कहने का मतलब क्या हो गया? असली? नो, ओरिजिनल मतलब ओरिजिन, मतलब सबसे पहला। तो जर्नल इज एन ओरिजिनल बुक, यानी जर्नल वो प्राथमिक बुक है, वो पहला बुक है इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट, जिसमें बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जब आप लोग को पता है कि जब हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो हम लोग जर्नल बनाते हैं, सब्सिडियरी लेजर्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं? सबसे पहले जर्नल बनाते हैं। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल। सिंपल, बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल कहेंगे। ओके, अब ये जर्नल होता कैसे? सो यहां पर देखिए, जर्नल के अंदर में कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, अमाउंट, अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड के लिए हो गया और ये क्रेडिट साइड के लिए हो गया। फॉर्मेट को देखेंगे, सबसे पहले क्या है? डेट।
फर्स्ट फॉर्मेट के अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, यानी कि जो ट्रांजेक्शन जिस डेट को भी हुआ है उस डेट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के अंदर में हम उन ट्रांजेक्शन उन अकाउंट को लिखेंगे जो जो उस ट्रांजेक्शन के अंदर में इन्वॉल्व हुआ है। लाइक जैसे ट्रांजेक्शन है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो इसमें क्या हुआ कि दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है हमारा फर्नीचर और दूसरा है कैश। तो फर्नीचर और कैश ये अकाउंट को शो करेंगे जहां पे उस इस एरिया में करते हैं पर्टिकुलर में। थर्ड कॉलम जो है एलएफ नंबर, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर। ये लेजर फोलियो नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पे जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन हो, सारे जर्नल के अंदर में जाएगा। लेकिन जरा सोचो कि हम दिन भर में कितनी बार परचेज करेंगे, बहुत बार, दिन भर में बहुत बार हम लोग सेल करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर मुझे ये पता करना है कि पूरे मार्च में हमने कितना परचेज किया, तो सब बताओ एक एक करके हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबका एक सेपरेट अकाउंट जाके आगे ओपन कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। सारे ट्रांजेक्शंस को उसमें पोस्ट किया जाता है उससे रिलेटेड अकाउंट में। तो यहां जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किया गया है वो ट्रांजेक्शन लेजर के कितने फोलियो नंबर पे जाके पोस्ट हुआ है, इसे इसे इस कॉलम को इसी फोलियो नंबर को शो करते हैं, ताकि यहां के हुए ट्रांजेक्शंस को हम पता कर पाए कि कहां पे पोस्ट हुआ। दिस कॉलम इज फॉर द अमाउंट, ये अमाउंट कॉलम क्यों है, अमाउंट लिखने के लिए। ये क्यों है, अमाउंट लिखने के लिए, ये भी अमाउंट लिखने के लिए। तो इसमें हम लोग उस के अमाउंट को लिखेंगे जिस अकाउंट को डेबिट साइड शो किया गया है, और इस कॉलम में हम उस अमाउंट को लिखेंगे जिस अकाउंट को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया गया है। ये हमारा जनरल का फॉर्मेट है। अब इस जनरल को बनाना कैसे है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे। आपके बुक्स में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है, पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, इस ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री पास करना है। तो मान लो कि यहाँ अप्रैल फर्स्ट है, ठीक है, 2019, ओके, और पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 लाख। नेक्स्ट है ये सपोज 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000, देन परचेज गुड्स on credit from Ram rupees 25,000, sold goods for cash rupees 10,000, sold goods on credit टू श्याम रुपीज 20,000, पेड कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज 10,000, रुपीज 20,000, ठीक है। यहां पे कुछ ट्रांजेक्शन लिए गए हैं, ठीक है।
अब उसके बाद दो ट्रांजेक्शन और ले लेता हूं, ठीक है, पेड सैलरी रुपीज 12,000 पेड रेंट रुपीज 10,000, ठीक है। यहां पे कुछ ट्रांजेक्शन्स शो कर दिए गए। अब देखो इसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग पता करते हैं कि किसे हमें डेबिट में लिखना है और किसे क्रेडिट में लिखना है। तो हाँ, कोई बात नहीं है, उसको एक बार कर देंगे दोबारा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जरा सोचो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर में हो क्या रहा है। तो आपको सोचना है कि क्या हो रहा है और इसमें कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो सकता है। देखो, आप अकाउंट्स किसके लिए बना रहे हो, आप अपने लिए नहीं बना रहे हो, आप अकाउंट्स किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना रहे हो, आप अकाउंट्स बना रहे हो किसके लिए, आप किसी बिजनेस के लिए बना रहे हो। तो कहा जा रहा है कि बिजनेस को शुरू किया गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस को शुरू किया गया मतलब बिजनेस में कैश लगाकर बिजनेस को शुरू किया गया। तो सारा सोचो कि बिजनेस कर क्या रहा है, बिजनेस में कैश लगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर में कैश आ रहा है, ठीक है। यानी एक तो हमारा क्या हो जाएगा कि बिजनेस के अंदर में कैश आ रहा है, इसलिए एक अकाउंट हो गया हमारा कौन सा, कैश। एक कौन सा अकाउंट हो गया, कैश। अब ये जरा सोचो कि बिजनेस के लिए जब हम अकाउंट बना रहे हैं तो इस बिजनेस को कैश दे कौन रहा है, यानी जो व्यक्ति बिजनेस को शुरू कर रहा है वो बिजनेस में कैश दे रहा है, बिजनेस को कैश दे, यानी कि प्रोपराइटर। कौन है, प्रोपराइटर। यानी कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर में दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होते हैं, एक तो है कैश और दूसरा जो बिजनेस में बिजनेस को शुरू कर रहा है, जो बिजनेस को शुरू कर रहा है, और बिजनेस को शुरू कर रहा है यानी बिजनेस का ओनर, बिजनेस का ओनर यानी प्रोपराइटर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में प्रोपराइटर का नाम नहीं लिखा जाता है, हम लोग उसके नाम के बदले क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट, ओके। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, और कैपिटल है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हम देखेंगे किसे हमें डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। सबसे पहले अगर रियल की बात करें तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में जो आता है, ठीक है, बिजनेस में जो आता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट, और बिजनेस से जो जाता है उसे हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, जो आता है उसको डेबिट में, जो जाता है उसको क्रेडिट में। जरा सोचो कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है कि बिजनेस से कैश जा रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर में कैश आ रहा है, तो आ रहा है इसलिए इसको हम कहां लिखेंगे, डेबिट। सेकेंड इज द पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स हमने बताया आपको, हु इज रिसीवर और एंड हु इज गिवर, यानी कि लेने वाले को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में, और देने वाले को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। तो लेने वाले को डेबिट में और देने वाले को क्रेडिट में, जो रिसीवर होता है रिसीवर के फॉर्म में होता है उसको डेबिट साइड, और जो गिवर के फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड करते हैं। प्रोप्राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोप्राइटर यहाँ पे रिसीवर है कि प्रोप्राइटर यहाँ पे गिवर है, यानी कि कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है कि जो भी रिसीवर के फॉर्म में है उसको डेबिट में, और जो गिवर के फॉर्म में है उसको क्रेडिट में। अब जरा सोचो, यानी कि जो प्रोप्राइटर है वो एक
पर्सन है, और पर्सन क्या करता है, या तो देगा या फिर लेगा, या फिर रिसीवर होगा या फिर गिवर होगा। अब यहां पे जो कैपिटल है यानी कि जो प्रोपराइटर है, जो बिजनेस में पैसा लगाया, मतलब वो क्या हो गया, रिसीवर के फॉर्म में या गिवर के फॉर्म में, जाहिर सी बात है वो क्या है, वो गिवर के फॉर्म में, वो दे रहा है बिजनेस को कैश। तो बिजनेस को कैश दे रहा है तो देने वाले को कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। ये हम लोगों ने सोच लिया कि किसको हमें डेबिट में लिखना है और किसको हमें क्रेडिट में लिखना है। ओके, अब देखो पहले तो आपको इसको बहुत दिमाग लगाने की कोशिश हुई, सोचने की जरूरत पड़ी, आपने लिख लिख के सोचा, लेकिन आप एक से दो तीन क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे तो आप अपने आप दिमाग में ही सोच लोगे, फिर इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए इसको जर्नल एंट्री में कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले जो ईयर लिखा हुआ है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन के ऊपर में देखो 2019 लिखा हुआ है ना, उसे हमने यहाँ लिख दिया। और हम लोग क्या करेंगे, डेट को लिख देंगे अप्रैल फर्स्ट, क्या करेंगे अप्रैल फर्स्ट, ये लिख दिया हमने। अब क्या कहा जा रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हमने डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है, हमें किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश दूसरा कैपिटल। कैपिटल हम प्रोपराइटर के बदले यूज कर रहे हैं, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। बिजनेस में कैश लगाया जा रहा है इसलिए बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट में। और प्रोपराइटर एक पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो रिस्क लेने वाला होता है उसको डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। ये जो कैश बिजनेस को दिया जा रहा है ये प्रोपराइटर के द्वारा दिया जा रहा है, मतलब ये गिवर है, तो कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। तो देखो ध्यान देना, यहां पे हमें पता है किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो याद रखिएगा कि जिससे भी हमें डेबिट करना होता है, यानी दो अकाउंट में से जिस अकाउंट को डेबिट साइड में लिखना होता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग, क्या करते हैं पहले लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं, यानी कैश अकाउंट हमने लिख दिया। और उसके बाद हम लोग उसके सामने इस तरह से डेबिट लिख देंगे, डीआर। हम लोग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग डॉट डॉट भी दे सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं बस ऐसे भी लिख सकते हैं सामने में, कैश अकाउंट डेबिट मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा है कि हमारा जो अकाउंट आता है कैश अकाउंट हमने ऊपर शो कर दिया, ठीक है। अब जैसे पूछ रहे कि सर डॉट डॉट क्यों लिख रहे हो, कोई जरूरी नहीं है आप मत लिखो, ये सिर्फ बस इसी तरह दिखाया गया कि देखो ये डेबिट जो है इसके सामने है, आप नहीं भी दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे कैश अकाउंट डेबिट यहाँ लिख के छोड़ दो। बहुत जगह पे लाइन खींच दिया जाता है, वो इशू आपको जो सही लगता है वो करो, कोई इशू नहीं है। आप कुछ मत लिखो, आप डॉट डॉट दे दो, ऐसा नहीं कि रूल से आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट में हो गया, जिसको डेबिट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट लिख के और उसके बाद यहाँ पे डेबिट ले जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ डेबिट। अब किसकी बारी आ जाएगी, अब कैपिटल अकाउंट हमें लिखना है, यानी कि जो क्रेडिट आया है उसको लिखना है। तो जिसको क्रेडिट साइड में लिखना होता है उसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेंगे, जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं, और उसके पहले लिखेंगे टू, और टू लिख के जिस जो भी अकाउंट को हमें क्रेडिट में शो करना है हम उस अकाउंट को लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट जिसको डेबिट करना है उसको ऊपर में, और पहले जिसको क्रेडिट करना है उसको नीचे में लिखते हैं। लिखने से पहले थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, फिर टू लगाते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट यानी कि क्रेडिट में जो अकाउंट आ रहा है उसको लिख देते हैं। अब इसके सामने क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब बारी आई, ये तो हमें समझ में आ गया, इसको दिमाग में रखेंगे, डेबिट को पहले क्रेडिट को बाद में, ठीक है, डेबिट को ऊपर क्रेडिट को नीचे। अब इसके पास देखो अब है अमाउंट, है अमाउंट कितना है 10 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिट है ना, तो ठीक इसके देखो डेबिट वाला कॉलम कौन है, ये, और ये क्रेडिट वाला कॉलम है, तो डेबिट वाला अकाउंट का कॉलम का डेबिट वाले साइड में ही लिखेंगे 10 लाख, ओके। और क्रेडिट वाला साइड जो है ना उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक इसके सामने लिखेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में, तो क्रेडिट का अकाउंट है 10 लाख।
ये हमने लिख दिया। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम बाकी है, वो क्या है, इस जो ट्रांजेक्शन को किया गया है इसको कौन समझ सकता है, जिसको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पता हो, है ना, जिसने अकाउंट्स पढ़ा हो। कोई जरूरी है कि सारे बिजनेसमैन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो कॉमर्स वाले ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो कैसे पहचानेंगे कि हमारे अकाउंट बिजनेस में, हमारे अकाउंट्स में क्या क्या हो रहा है, किस किस चीज के लिए ट्रांजेक्शन लिखा गया, कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग इस एक एक स्टेटमेंट के द्वारा इसको क्लियर करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। ठीक है, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, आमतौर पर बताया जाता है कि बीइंग लिखकर और क्वेश्चंस को रिपीट कर देना होता है। नो, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, हमें बताना है कि क्या हुआ है। अगर आपको बहुत बार बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे लिखे सर, वेरी सिंपल, आप लिखो बीइंग, उसके बाद लिखना है आपको द, क्या लिखना है, बीइंग द, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सा अकाउंट है, मेन कौन सा है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। बीइंग स्टार्टेड, सॉरी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा हुआ है, तो इसमें से देखो कि मेन जो वर्ड है वो कौन है, तो मेन है बिजनेस, इसमें बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, बीइंग द पैलेस लिखे हुए हैं, जो इसमें मेन चीजें हैं वर्ड से उसको लिखो, बीइंग द बिजनेस, उसके बाद जो हो रहा है, जो वर्ब है इस ट्रांजेक्शन के अंदर में, जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसका वो, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, वर्ब क्या है इसका, स्टार्ट, तो उसका थ्री फॉर्म में लिखना है उसको, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स में आप चाहे तो लिख सकते हो विद कैश। ओके, उसी तरीके से हम सबका नरेशन लिख सकते हो। देखो, बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश, being the goods sold for cash, being the cash deposited into bank, being the cash withdrew from bank, being the salary paid, being the rent paid, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा, ये बेवकूफी है क्वेश्चन देके रिपीट कर दिया, नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो एक और हम लोग सॉल्व करें। सेकेंड को क्या हो रहा है, अप्रैल सेकेंड को, यहां से मैंने इस तरह से लिख दिया, यानी अप्रैल ही है और सेकेंड डेट हमने डाल दिया। इसमें पहचानना है कौन सा दो अकाउंट है इफेक्ट हो रहा है। मैंने दो बार परचेज लिख दिया है भाई, तो एक बार मिटा हटा देता हूं। ठीक है, क्या है, बीइंग द गुड्स, सॉरी, बीइंग पे आके अटक गया, परचेज गुड फॉर कैश, क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहां जरा सोचो, परचेज गुड फॉर कैश, यानी इसमें कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक गुड्स, दूसरा कैश। मैंने बताया था कि गुड्स को गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, परचेजेज अकाउंट, गुड्स के बाद में परचेजेज अकाउंट जब हम लोग परचेज करेंगे, और गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट जब हम लोग सेल्स करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स के बदले कौन सा अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट, एक परचेज अकाउंट हो गया। दूसरा कौन सा अकाउंट है, पहचानो जल्दी से, कैश, दूसरा क्या है, कैश, परचेज अकाउंट, और दूसरा है कैश अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट, यानी दो अकाउंट हो गया, एक गुड्स के बदले परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब जरा सोचो कि गुड्स जो है रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। गुड्स क्या हो रहा है, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स क्या होगा, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है गुड्स, तो आ रहा है इसका मतलब हमें कहां लिखना है गुड्स को, डेबिट में। तो गुड्स को डेबिट, गुड्स अकाउंट नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, परचेज अकाउंट। तो मैंने बताया जिसको भी हम लोग डेबिट लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं परचेज अकाउंट, और यहां पे हमने लिख दिया डेबिट। दूसरा अकाउंट जो बचा हमारा वो क्या है, कैश, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। अब हम जब गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं ना, कि सामान भी खरीद लेते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। नो, हम लोग गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, इसका मतलब कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। जब भी परचेज करेंगे तो कैश
जा रहा है अगर कैश में है तो। तो यानी कि कैश को हमें लिखना है क्रेडिट में। मैंने बताया था क्रेडिट करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे टू, थोड़ा सा स्पेस लेंगे पैराग्राफ जैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद लिखेंगे कैश अकाउंट जिसको भी क्रेडिट करना है। ये हमने कर दिया। अब ठीक इसके सामने अमाउंट कितना था हमारा 50,000, तो डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में 50,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 50,000 लिख दिया हमने। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, नरेशन। देखो कैसे लिखूंगा, बिंग द। अब हमें क्या चाहिए भाई, इसमें मेन चीज क्या है, गुड्स। तो यहां पे लिखेंगे बिंग द गुड्स, और वर्क का थ्री फॉर्म में लिखना है, यानी कि परचेज्ड, और लास्ट में अदर वर्ड्स यानी कि फॉर कैश। ये हमारा हो गया कंप्लीट जर्नल। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारे जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे, ठीक है, सारे जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे, इसे भी पास करेंगे, और सारे जर्नल एंट्रीज, ये सिंपल जर्नल एंट्रीज है। फिर इसके बाद कुछ और भी अलग तरह के जर्नल एंट्रीज आते हैं, स्पेशल जर्नल एंट्रीज, तो उस यानी कि स्पेशल जर्नल एंट्री रिलेटेड टू गुड्स, स्पेशल जर्नल एंट्री रिलेटेड टू डिस्काउंट, तो ये सारे जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग बेसिक जर्नल एंट्रीज पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो तो इसको नोट किया जाए और बाकी